Why not? Today we discuss the fourth symmetry operation, that is the improper rotation axis or rotation reflection axis. Rotation reflection axis or reflection rotation. Reflection rotation axis. This is represented by SN. This symmetry operation is a product of two operations. SN or improper rotation axis is the product of two successive operations. यानी दो ऑपरेशन इस पर अप्लाई करते हैं. अगर ये पहले वाला है रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस, फर्स्ट रोटेशन थ्रू एन एक्सिस, रोटेशन थ्रू एन एक्सिस एंड देन आफ्टर रोटेशन अनदर सिमेट्री ऑपरेशन दैट इज रिफ्लेक्शन इज अप्लाइड. द सेकंड इज रिफ्लेक्शन through a plane perpendicular to this rotation axis, that is CN. So reflection through a plane perpendicular to rotation axis, that is sigma h. पहले किसी भी एक्सिस से रोटेट करते हैं और फिर उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर प्लेन से रिफ्लेक्ट करते हैं. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सक्सेसिव ऑपरेशंस. इस केस में जो रोटेशन है रोटेशन आर सी एन, दिस अलोन मे नॉट बी सिमेट्री ऑपरेशंस. जरूरी नहीं है कि वो सिमेट्री ऑपरेशन होगा. मे नॉट बी सिमेट्री ऑपरेशंस, यानी सिर्फ अगर रोटेट करते हैं तो रोटेशन से पहले और रोटेशन के बाद कन्फिगुरेशन वो सेम नहीं होंगे, डिस्टिंग्विशेबल होंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं होंगे. इसी तरह रिफ्लेक्शन है, तो ये रिफ्लेक्शन अगर रोटेशन उसके साथ न हो, दिस मे नॉट बी सिमेट्री ऑपरेशंस, मे नॉट बी सिमेट्री ऑपरेशंस. यानी अगर अलहदा हम सी एन अप्लाई करते हैं तो ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है. सिमेट्री ऑपरेशंस नेट असिमेट्री ऑपरेशंस. इस तरह अगर सिंपल या सिर्फ सिग्मा एच अप्लाई करते हैं तो ये भी सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है, नेट असिमेट्री ऑपरेशंस. लेकिन जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो फिर ये सिमेट्री ऑपरेशन होगा. This is a combination of two successive operations. पहले एक अप्लाई करते हैं फिर दूसरा अप्लाई करते हैं. Improper rotation axis or rotation reflection axis, yeah, reflection rotation axis represented by CN. So this SN
This Sn is the product of two successive operation. यानी पहले किसी ऑब्जेक्ट किसी मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, रोटेशन थ्रू एन एक्सिस, वो हो जाएगा Cn. अब ये रोटेशन, ये जरूरी नहीं कि ये सिमेट्री ऑपरेशन होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. जो एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे उसमें सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल भी है जिसमें ये रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन है. और फिर जब रोटेट करते हैं तो इससे डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है. फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को जो रोटेशन के बाद बना है उसको फिर रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रू अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस रोटेशन एक्सिस. तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा, दोनों का जब रिजल्ट आएगा वो इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएंगे. अगर अलग-अलग रोटेशन देखते हैं या अलग-अलग रिफ्लेक्शन देखते हैं तो इन दोनों से डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे. यानी ये दोनों अगर अलग अलग अप्लाई करते हैं तो वो सिमेट्री ऑपरेशन नहीं होंगे, लेकिन जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो फिर उसे सिमेट्री ऑपरेशन इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है. सो दिस रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस इज द प्रोडक्ट of two symmetry operations. इसको हम लिख सकते हैं, यानी Sn is equal to Cn and sigma h. अब Sn is equal to sigma h and Cn. दो operation apply करेंगे, इसमें से ये C and ये net asymmetry operations. इस तरह ये sigma है, ये भी symmetry operation नहीं है, net asymmetry operations. तो इसको कैसे define कर सकते हैं, improper rotation axis को, improper rotation axis. If rotation of a molecule through an axis that is Cn followed by reflection through a plane perpendicular to rotation axis produce indistinguishable configurations. Then the molecule is said to possess improper rotation axis Sn. If rotation of a molecule through an axis that is Cn followed by reflection through a plane perpendicular to rotation axis produce indistinguishable configuration, then this molecule is said to possess improper rotation axis. And if we rotate karte hain through an axis, then s axis ke perpendicular plane se reflect karte hain. अब ये सिग्मा एच, उसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा. ये हॉरिजॉन्टल प्लेन सिर्फ इस एस एन के परपेंडिकुलर है. या इस ये तो अगर इस टर्म में लिखना है, पहले रिफ्लेक्ट करते हैं फिर रोटेट करते हैं, तो ये भी पॉसिबल है. यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद रोटेट करते हैं. If
reflection of a molecule through a plane. Followed by rotation through an axis. Perpendicular to plane of reflection. Plane of reflection produces indistinguishable. Configurations. Then the molecule is said to possess. Molecule is said to possess improper rotation axis. वो पहले वाला था proper rotation axis या infold axis of rotations. और ये है improper. So if reflection of a molecule through a plane followed by rotation through an axis perpendicular to plane of reflection produce an indistinguishable configuration, then the molecule is said to possess improper rotation axis. अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं तीन एग्जांपल्स इसमें ले लेते हैं. एक हम लेते हैं मीथेन को CH4, ये CH4 है. इसको अगर इस फॉर्म में लिख लेते हैं कैसे कि ये कार्बन और ऊपर वाले दो हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में ले लेते हैं और नीचे वाले एक हाइड्रोजन प्लेन से बाहर हो जाएगा और एक बोर्ड के अंदर. यानी ये कार्बन है, ये हो जाएगा हाइड्रोजन 1 और 2. ये बोर्ड के प्लेन में है इस तरह, ये वाले हो गए और एक बोर्ड से बाहर. ये H3 और एक बोर्ड के इनसाइड, ये हो गया H4. अब अगर इसको हम रोटेट करते हैं, CN अप्लाई करते हैं यहां से, इधर से अगर हम इसको 90 डिग्री से रोटेट कर लें, तो 90 डिग्री के रोटेशन से क्या हो जाएगा? देखिए इस फॉर्म में है, ऊपर वाले हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 ये बोर्ड के प्लेन में है और ये हाइड्रोजन 3 और हाइड्रोजन 3 बाहर है और हाइड्रोजन 4 बोर्ड के इनसाइड है. अब इसको इस एक्सिस से इस मार्कर के फिर हम इसको रोटेट करते हैं थ्रू 90 डिग्री. जब 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा. अब ये क्या हो गया, जो नीचे वाले हाइड्रोजन 3 और हाइड्रोजन 4 थे जो बाहर था और इनसाइड था वो बोर्ड के प्लेन में आ जाएंगे और जो ऊपर वाले हैं हाइड्रोजन 1 ये बाहर आ जाएगा और हाइड्रोजन 2 बोर्ड के इनसाइड में चला जाएगा. ये जब इसको रोटेट करते हैं इस फॉर्म में है, इसको ऐसे रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज या इसको इस तरह क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं, एक ही बात है. एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हाइड्रोजन 1 बाहर हाइड्रोजन 2 इनसाइड में. क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो फिर क्या होगा, हाइड्रोजन 2 बाहर और हाइड्रोजन 1 अंदर हो जाएगा. तो किसी भी डायरेक्शन से 90 से रोटेट करते हैं, लेट सपोज एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं, लो क्लॉकवाइज कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, ऐसे हो जाएगा हाइड्रोजन 1 इनसाइड में हाइड्रोजन 2 बाहर और यहां पर जो हाइड्रोजन 3 जो बोर्ड से बाहर था ये लेफ्ट साइड पर बोर्ड के प्लेन में आ जाएगा और जो हाइड्रोजन 4 बोर्ड के इनसाइड में था वो राइट साइड के
प्लेन में आ जाएगा। और कार्बन तो अभी जगह पर रहेगा, कार्बन अभी जगह पर, ये हाइड्रोजन 3 यहाँ पर बोर्ड के प्लेन में और हाइड्रोजन 4 इधर बोर्ड के प्लेन में हो गया। पहले ये ऐसे थे ना, जब इसको ऐसे रोटेट किया है तो हाइड्रोजन 2 बाहर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन 2 बाहर हो गया और हाइड्रोजन 1 इनसाइड में। अब ये देख ले, ये दो कॉन्फ़िगरेशन डिस्टिंग्विशेबल है, तो इसका मतलब ये रोटेशन, ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन डिस्टिंग्विशेबल है। डिस्टिंग्विशेबल इस तरह है कि पहले ऊपर वाले हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में थे, अब नीचे वाले हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में हो गए। जो नीचे वाले हाइड्रोजन है वो एक बोर्ड से बाहर और एक बोर्ड के इनसाइड में है। अब इस केस में ऊपर वाले ये एक हाइड्रोजन से बाहर और एक इनसाइड में हो जाएगा, यानी नीचे वाले आउट ऑफ द प्लेन है, इस केस में ऊपर आउट ऑफ द प्लेन है। और इसको हमने रोटेट किया है थ्रू एन एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब इसके बाद इस पर सिग्मा अप्लाई करते हैं, किस डायरेक्शन में, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला प्लेन हो जाता है ना, इस तरह। यहां से इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, इधर मिरर लगा देते हैं, ये मिरर है, ये एस सी टू के परपेंडिकुलर है, सी टू का परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब यहां पर मिरर लगा लेते हैं तो क्या इमेज बनेंगे, ये 3 और 4 इसका इमेज ऊपर आएगा और ये 2 और 1 ये नीचे आ जाएगा। इधर आप अगर मिरर लगा ले उसमें आप देख ले तो कैसा होगा, 3 और 4 जो नीचे हैं वो ऊपर नजर आएंगे, कार्बन अपनी जगह पर, इस तरह यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और ये है हाइड्रोजन 4, और इस तरह ये हाइड्रोजन 2 इसका इमेज इधर नीचे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन 1 इनसाइड में। अब यहां पर ये दोनों कंपेयर कर लेते हैं, अब ये देख लें, अब अगर सिर्फ रिफ्लेक्शन देखते हैं तो इसका जब ये मिरर बन जाएगा तो ये इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है, बल्कि डिस्टिंग्विशेबल है। क्यों डिस्टिंग्विशेबल है, क्योंकि नीचे वाले हाइड्रोजन प्लेन में है और इसके इमेज में ऊपर वाले हाइड्रोजन प्लेन में है, ऊपर वाले हाइड्रोजन आउट ऑफ द प्लेन और इनसाइड दिस बोर्ड प्लेन है, और इसके इमेज में वो नीचे वाले इस तरह है। तो ये और ये कॉन्फ़िगरेशन ये डिस्टिंग्विशेबल है। तो इसका मतलब अगर सिर्फ हम ये सिग्मा देखते हैं तो ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है, इस तरह अगर हम इस सी एन को देखते हैं तो ये सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है, लेकिन दोनों को कंबाइन करते हैं सी एन और फिर उसके बाद सिग्मा अप्लाई करते हैं तो ये देख ले पहले कॉन्फ़िगरेशन और ये लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये इनडिस्टिंग्विशेबल है। हाइड्रोजन नीचे वाला हाइड्रोजन बाहर, एक हाइड्रोजन बाहर है नीचे और एक इनसाइड में है, इसमें भी एक हाइड्रोजन बाहर है और एक इनसाइड है, ये वही हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि पहले इधर हाइड्रोजन 3 था और हाइड्रोजन 4 इनसाइड में है, अब इस केस में हाइड्रोजन 2 बाहर है और हाइड्रोजन 1 इनसाइड में है। कॉन्फ़िगरेशन वही नहीं है, यानी सेम नहीं है, लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल है। इस तरह ऊपर वाले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 ये बोर्ड ऑफ द प्लेन में है, इस केस में भी ऊपर वाले हाइड्रोजन प्लेन में है, लेकिन ये हाइड्रोजन वही नहीं है क्योंकि इस केस में हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 है, इस केस में 3 और 4 है, तो ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल है। सो दीज टू कॉन्फ़िगरेशंस आर इनडिस्टिंग्विशेबल। सो रोटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल थ्रू एन एक्सिस CN followed by reflection through a plane perpendicular to CN
produce indistinguishable configuration. So this molecule possesses improper rotation axis. Hence, CH4 possesses improper rotation axis. S4 इसको कहेंगे क्योंकि 90 डिग्री से रोटेट किया है तो चार इस तरह कॉन्फ़िगरेशन बन जाते हैं, यानी 360/90 इसे 4 आ जाता है, तो इसलिए इसको S4 कहेंगे। इसी तरह अगर हम इसको इन्वर्ट करते हैं, पहले रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर रोटेट करते हैं, फिर क्या होगा? यही कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, ये 1 और 2 है और 3 बाहर है, ये H3 और ये H4 इनसाइड में है। इसको प्लेन से रिफ्लेक्ट करते हैं, सिग्मा इसी प्लेन से इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, यहां पर मिरर लगा लेते हैं, तो क्या होगा? इधर अगर मिरर लगा लेंगे तो इमेज कैसे बनेगा? ये जो नीचे वाले हैं ये ऊपर नजर आएंगे, ये H3 H4 और H2 और H1 ऐसे नजर आएगा। तो इसको यहां पर लिखते हूँ, ये C हो जाएगा, तो ये है H3 और H4। और नीचे वाले ये प्लेन में आ जाते हैं, ये H1 और ये H2। अब ये दोनों ये डिस्टिंग्विशेबल है, इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं है। किस तरह? क्योंकि ऊपर हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन बोट के प्लेन में है। इस केस में ऊपर के हाइड्रोजन एक प्लेन से बाहर, एक प्लेन के इनसाइड में है। इधर नीचे वाले हाइड्रोजन एक प्लेन से बाहर है, एक इनसाइड में है, और इस केस में दोनों हाइड्रोजन इन द प्लेन है। तो इसको हमने इस एक्सिस से रोटेट, इस प्लेन से रिफ्लेक्ट कर दिया है। अब इस पर CN अप्लाई करते हैं, और वो किस तरह? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये CN हो जाएगा, यहां से इसको CN 90 डिग्री से रोटेट करते हैं, इसको 90 डिग्री से अगर रोटेट करेंगे, यानी पहले ये ऐसा था, जब हमने इसको रिफ्लेक्ट कर दिया है तो ये इस तरह बन गया है। अब इस एक्सिस का रिफ्लेक्शन प्लेन ये वाला था ना, अब इस एक्सिस से इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री से, तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाले जो बाहर है और इनसाइड है ये प्लेन में आ जाएंगे, ये हाइड्रोजन 3 और ये हाइड्रोजन 4। और ये हाइड्रोजन अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज तो 2 बाहर और 1 इनसाइड में, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ये अभी हमने इधर लिए तो इसका मतलब इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, ये देखिए इस तरह था ना, तो 3 को इस साइड पे ले आए हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन है ये, क्लॉकवाइज। तो अब क्लॉकवाइज रोटेशन से ये H2 बाहर और H1 इनसाइड। अब ये दोनों देख लें, ये इनडिस्टिंग्विशेबल है, पहला वाला और लास्ट वाला इनडिस्टिंग्विशेबल। So it means that reflection of this molecule through a plane followed by rotation through an axis perpendicular to plane of reflection produce indistinguishable configurations. So therefore this molecule possess improper rotation axis.
इसको लिख सकते हैं एस एन नीचे वाले के लिए क्या होगा, पहले हमने रिफ्रैक्ट कर दिया है और फिर सी फोर अप्लाई कर दिया है, 90 डिग्री से रोटेट किया है। इस पहले वाले के लिए कैसे लिखेंगे, एस फोर, ये एस फोर है, एस फोर इज इक्वल टू सी फोर एंड सिग्मा एच, या सिर्फ सिग्मा कह देते हैं क्योंकि सिग्मा एच का मतलब ये है कि इसको प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर, सिग्मा एच मींस इट इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस केस में तो हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते ही नहीं है, सिर्फ प्लेन है, लेकिन ये प्लेन इस रोटेशन एक्सिस का परपेंडिकुलर है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कह सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन वो फिर उस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ सिग्मा ही लिखते हैं। लेकिन इस सिग्मा का यही मतलब है कि वो एस सी फोर का परपेंडिकुलर है, इस तरह ये सी फोर है वो एस सिग्मा के परपेंडिकुलर है, तो एस फोर 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 इम्प्रॉपर रोटेशन एक्सिस। Four, four, improper rotation axis. CS four is equal to C four and sigma. RS four is equal to sigma and C four. ये एक example. इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये अगर कार्बन वन टू और थ्री, तो ये वन टू थ्री एंड फोर, ये क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन डाइईन, ये स्ट्रक्चर है इस तरह है, जो लेफ्ट साइड राइट साइड पर दो हाइड्रोजन है वो बोट के प्लेन में है और तीनों कार्बन भी बोट के प्लेन में है, और राइट साइड लेफ्ट साइड पर एक हाइड्रोजन बाहर है और एक हाइड्रोजन इनसाइड में है। अब अगर इसको रोटेट करते हैं 180 से 90 से रोटेट करते हैं अलोंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये हो जाएगा 90 से रोटेट कर दिया है, देखिए इस तरह है। अब इस एक्सिस से रोटेट करते हैं, कौन सा एक्सिस है, थ्रू एन एक्सिस पैरेलल टू कार्बन कार्बन बॉन्ड, 90 से जब रोटेट करेंगे, अब इसमें देख ले जो राइट साइड पर है उनमें एक हाइड्रोजन ऊपर है और एक हाइड्रोजन नीचे है, और जो लेफ्ट साइड है वो दोनों हाइड्रोजन एक प्लेन में है, यानी ग्राउंड वाले प्लेन में है, प्लेन पैरेलल टू ग्राउंड, और ये प्लेन में है विच इज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। जब इसको 90 से रोटेट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अब राइट साइड वाले एक प्लेन में आ गए हैं ग्राउंड वाले प्लेन में, और जो लेफ्ट साइड वाले थे वो परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गए। अब इसको इस प्लेन से रिफ्रैक्ट करते हैं तो फिर इमेज कैसे बनेगा, पहले रोटेट करते हैं फिर रिफ्रैक्ट, तो इस पर आपको ट्राई कर ले, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ये आपका एक्सरसाइज के लिए दे देते हैं। एक ये इस पर ट्राई करना है एक्सरसाइज के तौर पर, और एक है
ये तीन के लिए। स्टेगर्ड फॉर्म ईथेन के ये हो गया, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको 60 डिग्री से रोटेट कर लेते हैं तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी, और फिर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो उसका कॉन्फ़िगरेशन किया पाए। तो इन दो पर आपने ट्राई करनी है, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में इसको डिस्कस कर लेते हैं।